हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रही है। ओपीएस को लागू कर दिया गया है, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। स्पीति में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 सरकार दे रही है। जेपी नड्डा के कांग्रेस को माँ बेटे की पार्टी वाले बयान पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं, चुनावों के समय इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में उपचुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम के चुनाव हार चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्ज की लिमिट में कटौती के साथ फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट में कैंपिंग की है, लेकिन प्रदेश सरकार विकास में कमी नहीं आने देगी। सरकार आय के रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए काम कर रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कीरतपुर मनाली फोरलेन का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के तहत उन्होंने फोरलेन की टनल नंबर 1 कैंची मोड में फोरलेन कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने NHAI के अधिकारियों से भी फोरलेन से संबंधित विस्तृत जानकारी ली है। हालांकि उन्होंने इस ऐतिहासिक फोरलेन उद्घाटन की तारीख के संबंध में कुछ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द इस फोरलेन को जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज देश के 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित किया है। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला पुलिस मैदान में वैली कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। जानकारी देते हुए धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने बताया है कि पहली बार कांगड़ा वैली कार्निवल का आयोजन धर्मशाला में होने जा रहा है। इससे पहले समर फेस्टिवल के नाम से यहां इसका आयोजन किया जाता था। पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है जिसमें जिला कांगड़ा भाग लेने वाला है। 15 से 29 जून तक ये कार्निवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें 16 से 19 जून तक सांस्कृतिक संध्याएं होगी जो कि अलग अलग विषयों पर रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आज से भारी बारिश व ओलावृष्टि के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से अगले 96 घंटे यानी कि 4 दिन तक बारिश व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। आज व कल ओलावृष्टि तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं या तूफान चल सकता है। परसों प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार आर्थिक मोर्चे पर डगमगाने लगी है। आर्थिक बदहाली की वजह से प्रदेश के 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है। आमतौर पर अधिकांश विभागों, बोर्ड व निगमों में सैलरी पहली तारीख को मिल जाती थी, मगर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सहित वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को 13 जून को भी सैलरी नहीं दी गई है। इससे कर्मचारी परेशान हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार इको टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 इको पार्कों में इको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने 93 प्रस्तावित स्थलों पर इको टूरिज्म गतिविधियों के संचालन के लिए वृहद योजना में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। धर्मशाला डाइट कॉलेज के बाहर मंगलवार को JBT धारकों ने सरकार द्वारा बैच वाइज की गई JBT भर्ती में BEd धारकों को स्थान देने पर रोष प्रदर्शन किया तथा कक्षाओं का बहिष्कार भी किया है। JBT धारकों का कहना है कि BEd भर्ती में BEd धारकों को ही रखना था, तो उनके समय को क्यों खराब किया गया। उनका कहना है कि JBT भर्ती में BEd धारकों को सम्मिलित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा BEd धारकों को JBT भर्ती में पात्रता देने का निर्णय सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत में भाग लेने के लिए बुधवार को मुंबई के लिए शिमला से प्रस्थान करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का आयोजन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पीस विश्वविद्यालय द्वारा मुंबई में 15-16 तथा 17 जून 2023 को किया जाना है। इस सम्मेलन में पूरे भारतवर्ष में 3300 के करीब विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों ने भाग लेने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य से भी 40 से अधिक सदस्यों ने भाग लेने का फैसला किया है।
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार दोपहर 1:33 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 रही है। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में 6 किलोमीटर गहराई में रहा है। हालांकि भूकंप के झटकों से किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन लोग डर के मारे घरों और दफ्तरों से बाहर निकलने को मजबूर हो चुके थे। चंबा जिले के भरमौर, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशन स्पीक्स अब बोलेगा हिंदुस्तान।